भगवान ने कहा जो वर मांग हूँ देहूँ सुतोई, इतना प्रसन्न हूँ और जब मैं प्रसन्न हूँ होता हूँ तब मुझसे कोई जो भी कुछ मांग ले मैं उसको वही दे देता हूँ, तो मैं जो जरूरत हो सो मांग लें। साधु कंकड़ पत्थर तो कभी मांगता नहीं, ना ये कहता कि भगवान कुटिया बनवा दो, ना ये कहता कि चार फुलके खाने को दे दो, वो तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। तो भगवान ने बार बार आग्रह पूर्वक कहा परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांग हूँ देहूँ सुतो ही, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ इतना गदगद हूँ और इस समय तुम हमसे जो भी कुछ मांग लोगे वो हम दे देंगे। ये कथा कहना चाहती है कभी मांगना हो सामने वाले से तो तब ही मांगना जब प्रसन्न हो, नहीं तो खुपरिया फोड़ देगा। और इस माहौल में माताएं बहुत होशियार हैं, इनको जब कोई साड़ी बाड़ी मंगाना हो लहंगा फरिया मंगाना हो तो ये मौका देखती हैं, कब मांगती हैं जब भोजन बना के जमा रही होंगी, और जिस दिन कुछ मांगना हो मंगाना हो उस दिन देखो क्या जायकेदार रसोई बनती है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बढ़िया बढ़िया जिनसें बनेंगी परोस देंगी सामने। श्रीमान जिम रहे होंगे कहेंगे टिंकू की मम्मी आज तो आनंद आ गया, इतना सुंदर दही बड़ा पहले तो नहीं खाया, अरे बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। वो पास में बैठ के कहेगी एक बात हम कहें, अब तो दही बड़ा में इतना खुश है, तो कहता एक नहीं आज सगरी बात तेरी है, बोल क्या कहना है। वो हमारी एक बचपन की सहेली हती ना, सो फिर बाकी लली को ब्याह हुए, फिर इतने नौता आए हैं इतना टेलीफोन आ हुए ने कहा तुम्हों चलते हमू चलते, तो वो मनोरमा जी जी बहुत खुश है जाती, हमारी पक्की सहेली है सहेलिन पक्की है, तो वो तो हाँ कोई बात नहीं है बता देना कौन से दिन जाना है। तो ने कहा हमारी साड़ी उन्हें पुरानी सी है गई है वहाँ और सखी आवेंगी सहेली आवेंगी, ने कहा हमें एक साड़ी दिलवाए दे, खुश कहा मोटरसाइकिल खड़ी है ना बाहर चल, माताएं तब ही मांग और आगे पीछे मांग भी मत लेना, साड़ी तो मिलेगी नहीं कनपटी पर रेपट और जड़ देंगे, ये बड़े खतरनाक है। जिस समय ये अपने पूरे बिल्कुल अपने पूरे रूप में हो तो फिर देखो, कयाधु माता की कथा में हमने नरसिंह पुराण में पढ़ा माता कयाधु, वहां भगवान सुखदेव ने कहा वहां पर भगवान वेदव्यास ने लिखा है उस समय मांगो जिस समय व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो, रामलीला भी कराओ और चंदा सेठ जी से मांगने के लिए जा रहे हो तो पहले देखो कि माता गर्म तो नहीं है प्रसन्न है कि नहीं, अति प्रसन्न होंगे तो वापस नहीं लौटोगे, तो भगवान क्या कहते हैं अति प्रसन्न है हम, तो उन्होंने भी मौका देख लिया अति प्रसन्न है तो मांग ही ले जो होगी सो देखी जाएगी।